लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के चाणक्य विपक्ष को मात देने के लिए तगड़ी रणनीति बना रहे हैं, ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिससे कि इंडी गठबंधन को ढेर किया जा सके। इसी कड़ी में मेरठ में बीजेपी ने एक बड़ा दाव चला है, यहाँ उसने प्रभु राम को ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। दरअसल मेरठ में बीजेपी ने यह दाव काफी सोच समझ कर चला है। जीत हार के हर समीकरण को ध्यान में रखकर धारावाहिक रामायण के राम को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन असल राम और धारावाहिक के राम का फर्क जनता भी जानती है, लिहाजा धारावाहिक के राम की चुनावी डगर इतनी आसान नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जिस मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है, पिछले कई लोकसभा चुनावों से बीजेपी का वहां कब्जा रहा है। 8 चुनावों में 6 बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। यहां सवाल उठता है कि अगर बीजेपी ने यहां 6 बार चुनावी किला फतह किया है तो फिर क्यों अरुण गोविल की राह इतनी आसान नहीं मानी जा रही है? क्या वर्तमान सांसद का टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, या फिर इंडी गठबंधन ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई है जो बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब हो जाएगी? दरअसल अरुण गोविल की राह में एक नहीं कई रोड़े हैं। हम क्रमवार आपको बताएंगे कैसे ये बीजेपी की जीत की राह में फूल नहीं कांटे बनने वाले हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि मेरठ में पंजाबी समुदाय ने वर्तमान सांसद या फिर पंजाबी समुदाय से किसी को टिकट देने की मांग की थी, और ऐसा नहीं होने पर पार्टी को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके बीजेपी ने एक नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं अगर मेरठ के जाति समीकरण की बात करें तो मेरठ में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है और ये चुनावी नतीजों को बदलने का मादा रखते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 5.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, वहीं अगर दलित वोटरों की बात करें तो इनकी संख्या भी मेरठ में ठीक ठाक है। यहाँ करीब 3 लाख दलित मतदाता हैं, यानी मुस्लिम आबादी और दलित वोटरों के पास खेल बिगाड़ने की ताकत है। तीसरे नंबर पर वैश्य मतदाता आते हैं जो करीब 2.5 लाख हैं, वहीं अगर ब्राह्मण वोटरों की संख्या पर गौर करें तो ये करीब 1.5 लाख है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जाट वोट के दम पर RLD यहाँ अपना दबदबा बताती है वो 5वें नंबर पर आते हैं और इनकी संख्या करीब 1 लाख है। वहीं दूसरी जातियों की बात करें तो इनकी तादाद 5 लाख से ऊपर है। जहां तक अरुण गोविल का सवाल है तो वो वैश्य जाति से संबंध रखते हैं जिसके वोटरों की संख्या 2.5 लाख है, यानी बीजेपी ने मेरठ की तीसरी सबसे बड़ी जाति के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है और उसे जिताने के लिए मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में चुनावी रैली की थी और अब PM मोदी 31 मार्च को जनसभा करने जा रहे हैं जिससे कि वोटरों को बांधा जा सके। दोस्तों वहीं अगर विपक्षी खेमे पर नजर डालें तो 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और RLD ने यह सीट BSP को दी थी, जिसके उम्मीदवार हाजी याकूब कुरेशी केवल 4000 वोट से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार समीकरण अलग है, इस बार BSP अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि इंडी गठबंधन के तहत ये सीट सपा के खाते में गई है, यानी विपक्ष को इस बार बीजेपी को मात देने के लिए तगड़ी रणनीति बनानी होगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।